हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है हसीन उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज हम घूमते घामते गाँवों में आ गए और ये देखिए गाइज, गाँवों में बहुत सारे मोरी कबूतर पकड़े जाते हैं आकर। और ये देखिए, ये भी एक मोरन कबूतरी इन्होंने पकड़ रखी है। तो गाइज़, अपना सफ़र जहाँ से स्टार्ट करा था वहीं से दिखाना चाहेंगे। ये देखिए गाइज, एक बात तो माननी पड़ेगी गाइज, जो जो गाँव की प्योर हवा में मज़ा है गाइज, वो शहरों की हवाओं में कहाँ। वो तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट होती है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आने के बाद। ये देखिए गाइस, जिन्हें कहाँ कहाँ को जाना पड़ रहा है। और ये समझ लीजिए, आगे वाला तो बिल्कुल हैवी ड्राइवर हो रहा है, इतनी तेज़ चला रहा खेतों के अंदर, बहुत ज़्यादा तेज़। दाई को भी खेत, बाई को भी खेत। ये देखिए गाइस, अब आए हैं एक के यहाँ शॉक करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टिपिकल है चलना यहाँ पर। और ये देखिए गाइस, ये है गांव, और ये देखिए 4 मंजिल से भी ऊंचा अड्डा खड़ा कर रखा है अगले ने। और ये देखिए, तो गाइस मैं कुछ ही छत का आप लोगों को शॉक कराऊंगा। छत पर तो बहुत सारे होगी गाय हम, मगर ये देखिए गाइस, और अब आप लोग चलते हैं दूसरी छत की तरफ लेकर। गाइस, आप यकीन भी नहीं कर सकते, गांव में आकर इतना कबूतर पकड़ा जाता है, इतना कबूतर पकड़ा जाता है भाई। ये समझ लीजिए, इन्होंने 9 मोहरी पकड़े हैं इस साल, और उड़ाने के बाद ये सब कबूतरों को कैच कर देते हैं। और ये देखिए, ये मकोई भी इनकी पकड़ी हुई है, पीछे जो कलसीरा खड़ा है वो भी इनका पकड़ा हुआ है इसी साल का। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खेल बना रखा है लोगों वागों ने गांव के अंदर। और गाइस, ये समझ लीजिए, जो टुकड़ी की टुकड़ी साफ़ हो जाती है ना कभी कभी लोगों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ गांव में आकर पकड़ी जाती है। और ये देखिए आप, हर वैरायटी अवेलेबल है गाइस, हर वैरायटी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता हुआ हमारे लोग बाग गन्ने गा रहे, गन्ने के मज़े ले रहे हैं। और ये देखिए गाइस, ये इन्होंने मोहरी पकड़ा था 3 तारीख में, और इसकी दोनों बाजू में कलर है। ये देखिए गाइस, वो बड़ा आलीशान कबूतर है जिस किसी का भी है। और इन्होंने इनका जोड़ा लगाया है इन्होंने किसी मादीन से। और ये देखिए आप, इसकी चाल देखिए, कितना सुपरस्टार कबूतर था ये। और ये देखिए देखिए, गाइस, ये भी इनका कबूतर पकड़ा हुआ ही है, और इसी साल का पकड़ा हुआ है ये गाइस। ये देखिए आप लोग, कितना सीनियर कबूतर है ये, और इन्होंने इन्हें इसे पेड़ पे से ठाया है। खैरा का फटा हुआ कबूतर था ये बता भी रहा है, जख्म वख्म है कबूतर के इधर साइड। और ये देखिए आप, कितना माशाल्लाह से सीनियर कबूतर है ये, कहीं पे पंजे भी नहीं दे सकता था, बस पकड़ लिया इन्होंने। और ये देखिए गाइस, ये कलसरी पट्टी भी इन्होंने पकड़ी है इस साल, कितनी सीनियर कबूतरी है, कितनी सीनियर पट्टी है गाइस। और ये देखिए, और गाइस आज बहुत मज़ा आया, गांव में घूमे हम और बहुत से लोग कबूतरों का शौक़ करा, और कुछ कबूतर ख़रीदे भी हमने, मोहरी ख़रीदे ज़्यादातर, 4 मोहरी कबूतर ख़रीदे हैं हमने। वो गाइस नीचे रखे हैं डब्बे में, वरना मैं आप लोगों को उन कबूतरों का भी शौक़ कराता, मगर इंशाल्लाह जब हसीन उस्ताद के यहाँ पहुँच जाएंगे तो उन कबूतरों का भी आप लोगों को शौक़ कराऊँगा मैं। और ये देखिए गाइस, ये लाल दुबाज इनका शौक़ का है, इन्होंने बहुत दूर से मंगाया है। और ये देखिए, इन्होंने कल्दू में, सहारनपुरी कल्दू में बनाए रखे हैं अपने यहाँ। और ये देखिए कलसीरे मकोए। और गाइस, जो शहर में कबूतर उचित तय पे पिटना पसंद नहीं करता, वो यहाँ पर आके नीचे तय में ही पिट जाता है, बस कबूतर के मन मन की बात है। और ये देखिए कितना आलीशान कबूतर पकड़ रखे है लोगों बागों के, आज इतने इतने आलीशान कबूतर भाग जाते हैं धुंध में या आंधियों में माहौल लग लग के, और सारे सारे बाहर चले जाते हैं। ये समझ लीजिए, बहुत बहुत दूर जाता है कबूतर। और ये समझ लीजिए, कुछ हमारे इस साल 200 पौने 200 कबूतर भगाए हैं हमने, और इतनी इतनी दूर होकर आ गए, हमारा एक कबूतर का भी नामो निशान का पता नहीं भाई। किरतपुर में तो बहुत कमी से पकड़े जाते हैं, हमने सोचा चलो इधर उधर ही पकड़े गए होंगे, तो इधर उधर भी नहीं। ये देखिए गाइस, कितना गन्ने खाना का। और बहुत मज़ा करा। और अब मैं शौक कराने चाहूँगा गाइस उन मोहरी कबूतरों का जो हमने आज परचेज़ करें। ये देखिए गाइस, आज हमने 2 मोहरी ऐसे परचेज़ करें
जो कि एक ही घर से बिलोंग करते हैं और एक ही तरह की उनकी मोहर लग रही है और एक ही तरह का कलर लग रहा है बाजू में हरा। और ये देखिए आने आने में ही शाम हो गई, हमें सुबह के 10 बजे के गायब हुए थे हम, और लगभग लगभग 5:30 तो बज ही रहे होंगे इस टाइम। और ये देखिए मरकरी वरकरी, और गाइस कबूतर तो सलमान ने चुगाई दी थी हमारे। और ये देखिए गाइस मोहर लग रही है इसके, मोहर ऐसी है कि मोहर के बीच में कबूतर बना हुआ है और साइडों में नंबर लिखे हुए हैं। और ये देखिए गाइस कबूतर कितना आलीशान है, लाल पलक का कबूतर है ये, और पंजों का तो बहुत मजबूत है गाइस। और ये समझ लीजिए ये उन्होंने कहीं, ये समझ लीजिए तालाब में गिर गया था ये कबूतर और वहाँ से ठाया है। और ये देखिए कितना सुंदर था, देखिए परों में कुरीज में सब चीज़ों में हर कितना चीज में फारिश, फ्रेश है कबूतर, हर चीज में। और ये देखिए मोहर आगे पीछे, मतलब कि थोड़ी सी पर में सीक्वेंस बिल्कुल सही है इसका। और सफ़ेद कबूतरों को तो मोहर भी अच्छी आती है। दूसरी कबूतरी का शौक कराना चाहूँगा गाइस, मैंने बताया था कि गाइस कलर एक जैसा लग रहा है, मोर एक जैसी लग रही है। और कबूतरी का शौक करिए आप, पहले साल की पट्टी है या आबन। और जैसे मैंने बताया था ये देखिए गाइस बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी गोल मोर, बीच में कबूतर और साइडों में नंबर। और ये दूसरे गांव में पकड़ी थी, वो दूसरे गांव में पकड़ा होता गाइस। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, बहुत बढ़िया रहा। कुछ कबूतर परचेज करे जैसे कि ये भी, और इनके अलावा भी परचेज करे गाइस। ये सब कबूतर हमने हिलाने के लिए, उड़ाने के लिए परचेज करे है गाइस। और इनके पर बांध दिए जाएंगे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, या इन्हें जाल में डाल दिया जाएगा पर खुले हो कोई, और इन्हें 2-3 हफ्ते के बाद जाल में से निकाल दिया जाएगा और इन्हें उड़ाया जाएगा, हिलाया जाएगा। मतलब अभी तो उड़ाने का सीजन खत्म हो गया, मगर ऐसे ही खोल देंगे, इनकी मर्जी उड़े या ना उड़ाए। आउट सीजन में नहीं उड़ाते गाइस हम कबूतर, ना ही कैसी भी आउट सीजन में उड़ाते ही नहीं कबूतर हम। कबूतर खुद उड़ ले उसकी मर्जी से, तो हम मना भी नहीं करते। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसे ली।